नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टर उपाध्याय। फ्रांस में पैगंबर के कार्टून दिखाए जाने को लेकर दुनिया भर में कट्टरपंथियों की जमात बवाल काट रही है। सड़कों पर उतरकर फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीरों को पैरों से कुचला जा रहा है और मजहबी नारों के साथ फ्रांस को न सिर्फ धमकियां दी जा रही है बल्कि जाहिलों की जमात उन इस्लामिक आतंकवादी हत्यारों का समर्थन भी खुलकर कर रही है जिन्होंने एक मासूम शिक्षक समेत 4 लोगों की हत्या की थी। इसी बीच मुसलमानों पर सख्त रुख अपनाने वाले चीन ने पैगंबर को लेकर कुछ ऐसा किया है कि जिस पर ना तो मजहब के नाम पर जिहादियों की फौज तैयार करने वाले पाकिस्तान की जुबान खुल रही है और ना ही खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बताने वाला तुर्की कुछ बोल रहा है। दरअसल चीन में भी फ्रांस की तरह पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर का मामला सामने आया है लेकिन इस पर ना तो कोई कट्टरपंथी चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और ना ही जिनपिंग की फोटो जलाने के लिए बाहर आ रहे हैं। यानी कि फ्रांस पर गुर्राने वाले इस्लामिक कट्टरपंथियों की हालत अब दुम दबाकर भागते कुत्ते की तरह हो गई है क्योंकि चीन को जमीन और जमीर दोनों गिरवी रखने वाले कंगाल मुल्क पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि अगर चीन के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो ड्रैगन उसे कर्ज की आग में जलाकर खाक कर देगा। इसीलिए इमरान खान किसी बिल में जाकर छिप गया है। दरअसल चीन के सरकारी चैनल चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर प्रसारित किया था। वीगर एक्टिविस्ट अरशलान हिदायत ने चाइनीज टीवी सीरियल की ये क्लिप ट्वीट की है। इस क्लिप में तांग राजवंश के दरबार में एक अरब राजदूत को दिखाया गया है। इसमें अरब राजदूत पैगंबर मोहम्मद की एक पेंटिंग चीनी सम्राट को सौंपते हुए नजर आते हैं लेकिन चीन की हरकत के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की समेत किसी भी मुस्लिम देश की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वैसे भी उइगर मुसलमानों के साथ चीन जो जुल्मों सितम ढाता आया है उस पर आज तक फ्रांस के खिलाफ होवल्ला करने वाले किसी भी इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्क ने आवाज नहीं उठाई है। ये बात दुनिया अच्छे से जानती है कि चीन में मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता, सार्वजनिक नमाज अदा नहीं कर सकता, रोजे नहीं रख सकता और अकबर, तैमूर, बाबर, मोहम्मद जैसे नाम रखने पर एकदम प्रतिबंध है। यहां तक कि चीन ने कुरान तक को बदल कर रख दिया है और मुसलमानों के पवित्र शहर मक्का मदीना जाने पर भी रोक लगा दी है। इस पर ना तो कोई मुस्लिम देश आवाज उठाता है और न ही फारूक अब्दुल्ला जैसे गद्दार नेताओं की जुबान खुलती है जो कश्मीर में चीन शासन की डिमांड कर रहे हैं। उधर चीन में टीवी पर पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर दिखाए जाने से लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद की पेंटिंग्स दिखाना ईश निंदा नहीं है? क्या मुस्लिम दुनिया अब पैगंबर मोहम्मद के कैरिकेचर दिखाए जाने पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील नहीं करेगी? दरअसल इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो में चीनी टीवी सीरियल कैरोल ऑफ जेंगुआन में प्रदर्शित पैगंबर मोहम्मद की छवि को देखा जा सकता है। अरसलन हिदायत के मुताबिक शो में चित्रित राजदूत कहते हैं कि हमारे देश के भगवान मोहम्मद का चित्र है। चीनी शो में पैगंबर के चित्रण ने अब मुस्लिम दुनिया पर सवाल उठाते हुए एक बहस शुरू कर दी है। क्या वे फ्रांस के शिक्षक की निंदा के बाद पैगंबर के कैरिकेचर के चित्रण के लिए चीन की निंदा करेंगे? इस रिपोर्ट को लेकर ना तो चीनी अधिकारियों और ना ही चीन सेंट्रल टेलीविजन सीरीज के निर्माताओं ने अपनी टीवी सीरीज में पैगंबर मोहम्मद के चित्रण के दावों का खंडन किया है। इससे साफ है कि चीन को अपने टीवी शो में पैगंबर को चित्रित करने में कोई समस्या नहीं है और वो आगे भी ऐसा करने से पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल उन लोगों से है जो फ्रांस जैसे देशों के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं और अपना जिहादी रूप दिखाने लग जाते हैं, वो चीन जैसे तानाशाही मुल्क के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते? इससे साफ है कि जिस देश में तानाशाही है वह इनका मुंह सिल जाता है और जहां लोकतंत्र है उसके खिलाफ ये जमकर हंगामा काट देते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।